वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे अबाउट अस पेज बनता है। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट इंडेक्स पेज बनाया था, यानी कि होम पेज बनाया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी की कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं अभी। तो लास्ट वीडियो में हमने ये इंडेक्स पेज बनाया था, यानी कि होम पेज। तो ये हमारा होम पेज बन के एकदम रेडी था, कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ठीक है, आज हम बनाते हैं अबाउट अस पेज। तो चलिए वही तरीका अबाउट अस पेज बनाने का भी। तो हम क्या करते हैं, इस इंडेक्स को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रीनेम करके इसको अबाउट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास में दिया विजुअल स्टूडियो है, आप नोटपैड पे काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे ही चलता है। तो अबाउट अस पेज मैंने ये ऑन कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, बैनर से यहाँ से टाइप्स ऑफ एनिमल्स है व्हाट वी डू सेक्शन हटा देता हूँ। अब हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो हमें कुछ ये इतना सा दिखेगा, क्योंकि प्रत्येक पेज पे बैनर तो हमको लगाना ही है, तो इसलिए मैंने बैनर सेक्शन नहीं उड़ाया। अबाउट अस, ये इतना कंटेंट अपने को चाहिए, इसी ड्यू के अंदर हमें आगे काम करना है, ये ड्यू नहीं उड़ाया। फुटर और कॉपीराइट सब पेज पे चाहिए, तो सारे में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो बैनर की क्लास है इसको हटा करके इसकी जगह लिख देता हूँ ऑल पेज बैनर। बिकॉज़ कि हम जो होम पेज है उस पर तो स्लाइडर बनाएंगे एनिमेशन वाला, और जबकि सब पेज में तो हम नॉर्मली बैनर ही रखेंगे। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको, यही चीज़ कॉपी करके विड्थ 100% और फ्लोट लेफ्ट वाला। फिर इसके अंदर जो भी इमेज आएगी, img इमेज, उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए। तो अब हम रिज़ल्ट में देखेंगे तो कोई हमें डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि वही है क्लास। ठीक है, तो हम इस इमेज को चेंज कर देते हैं अभी हाल फिलहाल, तो इस इमेज को। तो मेरे पास में इमेज रखी हुई है अबाउट बैनर नाम से, कॉपी किया मैंने और अबाउट बैनर यहाँ पे ये रख दिया। ठीक है, तो अभी हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ज़्यादा ही बढ़िया आ गई है। तो चलो करते हैं इसका भी। ठीक है, इमेज रिसाइज हो गई अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो ये एक्टिव क्लास अबाउट पे दिखनी चाहिए, होम पे थोड़ी ना दिखनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अबाउट अस पेज पे जाएंगे, जो एक्टिव की क्लास होम के साथ लगाई थी इसको यहाँ से कट करके इस li के साथ रख देंगे। तो अब हमें ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अभी हम अबाउट पेज पे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की प्रक्रिया। अबाउट अस पेज में ये अबाउट डिव था, ये तो है ही है। अब इसके साथ में एक दो लाइन इसको कॉपी करके एक बार के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमें अब इस तरीके से दिख रहा है, तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम काम करेंगे इस अबाउट को के साथ में एक क्लास और लगा देंगे, मल्टी क्लासेस पे काम हो जाएगा अब। या फिर अबाउट इनर कॉपी किया, जो इनसाइड है पेज में वो अबाउट इनर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में चले जाते हैं सीएसएस में, विड्थ 100%
लेफ्ट, ये तो ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ था अबाउट वाली क्लास में, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्यों लगाया है, क्योंकि अब हम इसकी विड्थ करेंगे 98%, ठीक है। और जो दोनों साइड से पैडिंग है उसको हम एक एक पिक्सल कर, एक एक परसेंट कर देंगे, 0 पिक्सल टॉप से, 0 पिक्सल राइट से, 1% बॉटम से, 0 पिक्सल और लेफ्ट से 1%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो अब हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, दोनों साइड से इतना इतना स्पेस आ गया इसमें। अब इसके अंदर जो H1 है या जो टेक्स्ट लाइन है यहाँ पे कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो अब हमें ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो खाली P टैग ही अलाइन लेफ्ट चाहिए, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे P टैग पे। अब देखेंगे तो हमें कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी पैडिंग टॉप बॉटम 25 पिक्सल थी पहले से, हाँ, तो 25 पिक्सल करने के बाद में इसका लुक्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो टेक्स्ट है इस साइड से तो इक्वल दिख रहा है, इस साइड से ऐसे दिख रहा है, तो ये अच्छा लुक नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट की जगह जस्टिफाई कर देंगे, जस्टिफाई, ठीक है, JUSTIFY, जस्टिफाई। तो अब इसका लुक्स देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है प्रॉपर वे में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, एक सेक्शन और बनाते हैं यहाँ पे, डिव क्लास मिशन, जो मैं अंदर काम करूँगा मिशन और विजन के बॉक्स बनाऊँगा, तो मैंने क्लास इसकी मिशन और विजन के नाम से रख देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है अब इसका, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आ जाऊँगा, तो यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है, मैंने इसकी विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके अंदर मैंने एक डिव बनाया, डिव क्लास, ये मेरा सेक्शन है विजन का, और ये मेरा सेक्शन है, दो सेक्शन बनाने थे मैंने, दोनों सेक्शन बना लिए मिशन का, ठीक है। मैं क्या करूँगा विजन पे वर्क करूँगा, अभी विड्थ 50%, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। यही मैं कॉपी करके 50-50% के दो डिव हो गए, कौन कौन से, विजन और मिशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस डिव के अंदर मेरे पास में विजन की इमेज है, मैंने यहाँ पे विजन की इमेज रख दी, मेरे पास यहाँ पे मिशन की इमेज है तो मैंने यहाँ पे मिशन की इमेज रख दी। ये दोनों इमेज ही भले ही इन डिव में है, लेकिन इन दोनों इमेज को सिंगल क्लास से और सिंगल एलिमेंट से इस क्लास के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं अभी बता देता हूँ मैं। इसके अंदर जो भी इमेज है उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, साइड में स्पेस नहीं है, तो मतलब इसकी लुकिंग बिगड़ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, विड्थ 48%, विड्थ 48%, हम क्या करेंगे
पैडिंग 0 पिक्सल, टॉप और बॉटम का 0 पिक्सल और साइड साइड से 1%। ठीक है, यही हम इसके अंदर रख देंगे। दोनों डिव सेम ही तो है, तो सेम के लिए हम सेम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखने के पर्पज़ से जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम हम ज़्यादा करेंगे, उतना ही हमारा हाथ ज़्यादा साफ़ होगा। तो इसके लिए अभी हम अब हम इसमें लिखते हैं H3 टैग में लिख देते हैं और विजन, और छोटा सा इसका कंटेंट लिख देते हैं, मतलब दो लाइन का, एक लाइन का, मान लो इतनी दूर का इसका कंटेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये इसका कंटेंट हो गया। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, सेम ही प्रक्रिया अभी हमको यहाँ पे रखनी है, उससे पहले H3 के अंदर और मिशन, उसके बाद में ये कंटेंट रख दिया। अब इसका रिज़ल्ट हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसमें विजन है, इसकी हम बॉर्डर लगाएंगे, BORDR बॉर्डर, सॉलिड 1 पिक्सल, कलर इसका ये हो जाए। तो अब दूसरा डिब है वो नीचे आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सेम यही चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे, इसमें भी यही चीज़ लगाएंगे, तो दोनों डिब के बॉर्डर आ गई। ठीक है, लेकिन अब इसकी हमें थोड़ी विड्थ के अंदर कमी लानी पड़ेगी, थोड़ा कम करना पड़ेगा विड्थ को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विजन सेट है तो मार्जिन 1%, कॉपी किया मार्जिन 1%, दोनों में 1% मार्जिन है। अब भी ड्यू नीचे ही आएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें काउंट करेंगे। क्या चीज़ काउंट करेंगे, विड्थ इसकी 47%, 47 तो ये हो गया, पैडिंग एक लेफ्ट की और एक राइट साइड की, तो कितने हो गए, 2% ये हो गए, तो 47/2 49, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट और राइट के, मतलब ये तो 51% हो गया, 51 और 51, 102% 100% में कैसे आएगा। इसके लिए अब हम इसको कर देंगे 46 46। ठीक है, अब 46 और 46, 92 92 और 2 लेफ्ट राइट के, 94 94 और 2 96, 98 और 100%, बीच के ये एक एक पिक्सल की बॉर्डर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे 45.80 थोड़ी सी और रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये इसमें टॉप साइड से स्पेस नहीं है, साइड में स्पेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पैडिंग इसने लेफ्ट राइट से तो दे दी 15 15 पिक्सल या 10 10 पिक्सल, दोनों साइड से ही हो, टॉप साइड से और बॉटम साइड से। ठीक है, हो गया, अब परफेक्ट लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो स्पेस है ये ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मिशन विजन का डिव उठाएंगे, क्योंकि मिशन विजन
ड्यूब के अंदर विजन और मिशन दोनों ड्यूब इसके अंदर है, दोनों के अंदर सेम ही चीज़ हो रही है, तो हम इस एक क्लास से ही कंट्रोल कर लेंगे, ना कि अलग अलग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मिशन विजन के अंदर एच थ्री है, उसका मार्जिन टॉप बॉटम ओनली 10 पिक्सल का हो, लेफ्ट राइट 0 पिक्सल का हो। रिजल्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब टॉप से तो 10 पिक्सल है, बॉटम से भी 10 पिक्सल है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पी अपने आप टैग ले वो लेता है, स्पेस लेता है, वो है अब जो कि यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये मार्जिन होता है, और जो ग्रीन कलर में दिखता होता है, ये जो इनसाइड ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पैडिंग होती है, आउटसाइड जो ब्राउन कलर में दिख रहा है वो मार्जिन होता है। मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस का भी वीडियो मैं अभी स्पेशल एक इस पर बना के डालूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे, इसमें आगे हमें क्या करना है, इसके अंदर जो पी टैग है उसका हमने मार्जिन 0 पिक्सल करना है, 0 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा अबाउट अस का पेज कंप्लीट हो गया। ऐसे तो चीज़ें इसके अंदर वन बाय वन और भी डालते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे इतना ये सेक्शन बन गया, ये तीन सेक्शन बन गए, मतलब तीन के नीचे 30 सेक्शन बना लो चाहे, अब बाकी कोई इशू नहीं है, सेम इसी प्रक्रिया से बनाते जाएंगे। एक ड्यूब बड़ा रख देंगे, दो ड्यूब छोटे रख लेंगे, तीन ड्यूब का हो जाएगा, चार का हो जाएगा, छः का बना लेंगे, इस तरीके से सेक्शन बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ जितना हम मार्जिन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग विड्थ ज़रूर देखें, जितना हम पैडिंग दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम विड्थ ज़रूर देखें। अगर हमने सेक्शन में बॉर्डर दी है तो उस बॉर्डर को भी विड्थ में से ही माइनस करना होता है, तो उस पर भी ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तो कल हम पेज बनाएंगे सर्विस का, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स डालेंगे, तो उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल ही है, जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, और जो होम पेज बनाया था जिसके 7 वीडियो थे उसमें थोड़ी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैं सभी से भी माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे से अभी एकदम प्रॉपर वॉइस और क्वालिटी आपको मिल जाएगी इसमें। धन्यवाद फ्रेंड्स।